हमास ने जो सरप्राइज अटैक किया है उसने न केवल इजराइल को परेशान किया बल्कि अमेरिका तक ये देखकर होश उड़ गए अमेरिका तक। हमास ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। हमास ने ये भी दावा किया है कि उसके पास रॉकेट है, मिसाइलें हैं, कोई कमी नहीं है उसके पास में। अगला हमला नेतन्याहू की फौज के छक्के छुड़ा देगा, खुली चेतावनी है कि अब हमला होगा और बड़ा हमला होगा। इसराइल पर ट्रिपल अटैक की तैयारी। गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने जिस तरह से 7 अक्टूबर को जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते हमले किए हैं उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इसराइल भले ही 4 दिन से प्रचंड हवाई हमले कर रहा हो लेकिन हमास ने दिखा दिया है जिस हमास को इसराइल मरा हुआ आतंकी संगठन समझ रहा था वो हमास इसराइल की नाक के नीचे बारूदी हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहा था। अब हालात ये हैं कि इसराइल ने गाजा पट्टी में 500 से ज्यादा ठिकानों पर 800 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं लेकिन उसके बावजूद हमास के कमांडर झुकने को तैयार नहीं है। इसराइल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि इसराइल की सीमा में 1500 से ज्यादा हमास चरमपंथियों की लाशें मिली हैं लेकिन उसके बावजूद हमास 3 देशों के साथ मिलकर इसराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी करने में रात दिन जुटा है। मोसाद का अलर्ट, ईरान, सीरिया, मिस्र करेंगे हमला। खुद इजरायल की टॉप खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को क्लियर कट इनपुट दिया है कि हमास के साथ 3 और देश मिलकर इजरायल पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पश्चिमी मीडिया को खुफिया अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल जिस तरह से हमास का पूरी तरह से सफाया करने की कोशिश कर रहा है उससे हमास के चरमपंथी और उसको समर्थन देने वाले देश बौखला गए हैं। इसराइल दिन और रात लगातार हवाई हमले गाजा पट्टी में कर रहा है। 21 लाख की आबादी वाले गाजा में इस वक्त हर घंटे इमारतें और हमास के ठिकाने तबाह हो रहे हैं लेकिन इस बीच मोसाद का दावा बेहद डरावना है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने साफ दावा किया है कि इसराइल पर ईरान, सीरिया और मिस्र तीनों मिलकर हमला करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और हिजबुल्ला लड़ाके हमला कर सकते हैं जबकि सीरिया रॉकेट और मिसाइलों से बड़ा हमला इसराइल पर कर सकता है। वहीं मिस्र जो हमास के हमले से पहले इसराइल की मिडिल ईस्ट में दोस्ती करवाने में जुटा था अब वही मिस्र इसराइल पर हमला कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल की मोसाद के पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान, सीरिया और मिस्र इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं यानी हमास को अब इसराइल पर दूसरा हमला करने के लिए 3 देशों का साथ मिल गया है। هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنند. इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इसराइल के खिलाफ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमास इसराइल को हरा नहीं देता। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि इसराइल मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और हमास को हमेशा के लिए खत्म और तबाह कर दिया जाएगा। כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. गाजा में खूनी गदर, लंबी जंग को तैयार हमास। इसराइल पर हमास के हमले से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है।
अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और हिजबुल्ला के सीनियर अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने इसराइल पर हमले की प्लानिंग में हमास की मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर को बेरूत में एक बैठक में हमले के लिए हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को 7,000 रॉकेट से एक साथ हमला कर दिया था। इधर लेबनन के संगठन हिजबुल्ला ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। हिजबुल्ला ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन को यूक्रेन मत समझ लेना। वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों के खिलाफ इसराइल ने जमीन और आकाश से पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक इसराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इसराइल ने 1,00,000 सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है, साथ ही 3,00,000 सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है।